बहुत स्वागत है आपका नमस्ते इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपका दोस्तों नवीन शर्मा। बात करें दोस्तों मौसम विभाग के लेटेस्ट अपडेट। मौसम विभाग लेटेस्ट अपडेट जारी किया है, तो जानते हैं 1 मार्च के लिए क्या अपडेट आया, नया और कैसा रहने वाला है आने वाले समय में मौसम। चलिए शुरू करते हैं लेटेस्ट अपडेट को। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे अपडेट नहीं आप देश की सभी बड़ी खबरों से। चलते हैं अपडेट की ओर। क्या अपडेट है 1 मार्च के मौसम को लेकर दोस्तों। कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरी पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में जो है बारिश, फिर आज 4 दिन में बारिश का अलर्ट है। शुरुआत करते हैं उत्तर भारत से। एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी अफगानिस्तान और उसके आसपास बना हुआ है। इसके प्रभावित एक चक्रवाती क्षेत्र दक्षिणी भागों बना हुआ है और इस सिस्टम से एक ट्रफ रेखा पूरी राजस्थान तक जा रही है। इन सभी सिस्टम के कारण जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी होने की संभावनाएं बनी हुई है। इस बीच उत्तरी पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है, बाकी भागों पर बादल छाए रहेंगे, जिससे न्यूनतम तापमान बढ़ोतरी की जाएगी। वहीं मध्य भारत में एक एंटी साइक्लोन दक्षिण छत्तीसगढ़ तक बना हुआ है, इसलिए शुष्क मौसम के साथ तेज धूप बनी रहेगी। हालांकि रात के तापमान में हल्की बढ़ोतरी संभव है। वहीं पूर्वी भारत की बात करें तो इस समय कई स्थानों पर बारिश हो रही है, हालांकि 24 घंटों के बाद मौसम साफ होना शुरू हो सकता है। दूसरी ओर नागालैंड, मेघालय, असम और अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की प्रबल संभावनाएं बनी हुई है। दक्षिण भारत की बात करें तो कर्नाटक और केरल पर शुष्क मौसम रहेगा, हालांकि बंगाल की खाड़ी से आने वाली नम हवाओं के चलते तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में हल्की बारिश हो सकती है। जो था लेटेस्ट अपडेट मौसम विभाग का। बाकी स्थानों पर इनका वर्णन नहीं है जहां 24 घंटे पूर्व मौसम का वैसा ही रहने वाला है। तो इस वीडियो को जैसे शेयर करें ताकि सब लोग जान सके लेटेस्ट अपडेट को मौसम विभाग के और सावधान सतर्क रह सके। इस वीडियो में इतना ही, फिर आपके लिए उपस्थित होंगे जानकारी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते इंडिया।